असलम आई मकसर मंसूर एंड टूडे आई विल डिस्कस एम्पेरिकल फार्मूला फ्राम कम्बस्शन अनालिसिस मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको दो की पॉइंट्स क्लैरिफाई करना चाहूँगी चलें बढ़ते हैं नंबर वन इज़ कम्बस्शन कम्बस्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सबस्टांस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर की मौजूदगी में जलाते हैं बर्न करते हैं उसको हम कहते हैं कम्बस्शन कंबेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफ़िल करना लाजिम है नंबर वन इज़ फ्यूल या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी आपने कंबेशन करानी है नंबर टू इज़ हीट हीट इसलिए चाहिए ताकि उस कंपाउंड का जो टम्परेचर है इग्निशन टम्परेचर से ज़्यादा हो सके यानी टम्परेचर रेज़ करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है इग्निशन टम्परेचर वो मिनिमम टम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जब वो आग को पकड़ना शुरू कर देता है और उसकी कम्बेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो हीट और लाइट को लिब्रेट करना शुरू कर देता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एयर हमें चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन ऑप्टेन हो सके क्योंकि हमें पता है कि एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है मिथेन की एग्जाम्पल लिखी हुई है मिथेन की जब कम्बेशन हुई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो गया है नेक्स्ट है व्हाट इज एम्पेरिकल फॉमूला एम्पेरिकल फॉर्मूला एक केमिकल फॉर्मूला है किसका केमिकल फॉर्मूला है एक कंपाउंड में जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसको हम सिंपल होल नंबर रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं तो उस सिंपल simple, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की जो हमने फॉर्म में लिखा है उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं आपको एक एग्जांपल से ये क्लैरिफाई करती हूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हमें पता है कि जो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सी होता है लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एच टू ओ है अब आप नीचे देख सकते हैं हमने इसको सिंपल रेशो की फॉर्म में लिखा है जो हमारे पास होल नंबर है इनको हमने सिंपल रेशो में लिखा है तो हमारे पास रेशो आई है वन रेशो टू रेशो वन इसीलिए इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है सी एच टू ओ है एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ बेंजीन बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला है सी सिक्स एच सिक्स और अगर इसका एम्पेरिकल फॉमूला में लिखूँ तो वन रेशो वन आ जाएगा यानी सी एच तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा सी एच नेक्स्ट है व्हाट इज कंबशन एनालिसिस अब पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कंबशन एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है जिसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है बट मेक श्योर कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की क्या परसेंटेज कम्पोजिशन है उसकी अमाउंट क्या है इस एनालिसिस के थ्रू हम डिटर्मिन कर सकते हैं जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक होगा यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें मौजूद होंगी और ऑक्सीजन इस प्रोसेस के लिए लाजिम है क्योंकि कम्बस्टन का प्रोसेस ऑक्सीजन के, के बगैर नहीं हो सकता अब कम्बस्टन एनालिसिस हम क्यों यूज करते हैं कम्बस्टन एनालिसिस हम तीन चीजों के लिए यूज करते हैं नंबर वन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो परसेंटेज कम्पोजिशन है उसको डिटामिन करने के लिए एम्पेरिकल फोर्मूला कंपाउंड को डिटामिन करने के लिए और जो मोलिकुलर फॉर्मूला है कंपाउंड का उसको डिटरमिन करने के लिए तो इन तीनों चीज़ों को हम कम्बस्शन अनालिस से डिटर्मिन कर सकते हैं आगे है सोल प्रोडक्ट सोल प्रोडक्ट होते हैं मेन प्रोडक्ट जो कम्बस्टन एनालिसिस के जो मेन प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें मिल जाता आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड H2O टू एब्जॉर्बर सीओ टू एब्सॉर्बर फिफ्टी परसेंट के ओ एच मैग्नीशियम पर क्लोरेट कम्बस्टन चैम्बर प्रोसीजर एंड डायग्राम आप सबसे पहले देख रहे हैं कि हमने कंबस्टन चैम्बर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लिया है यानी कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मौजूद हैं उसको हमने फर्निस में फिट किया है और उसकी कंबस्टन कराई है दैट्स वाई ऑक्सीजन और हीट आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रही होगी जब हमने कम्बसन कराई थी तो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया वाटर में और कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट चैम्बर है वो एच टू ओ एब्जॉर्बर है यहाँ पे एच टू ओ एब्जॉर्ब करने के लिए हमने मैग्नीशियम पर को यूज़ किया है याद रहे जो मैग्नीशियम पर है उसकी अमाउंट ऑलरेडी नॉन हम लेते हैं ठीक है थीके? अब जब वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो फाइनल और इनिशियल जो उसके डिफरेंस आता है उसकी अमाउंट में उसकी मैसेज में उससे हमें ये पता लग जाता है कि कितनी अमाउंट एच टू ओ की सैंपल के अंदर मौजूद थी ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर नेक्स्ट है सी ओ टू एब्जॉर्बर सी ओ टू एब्ज़ॉर्बर के लिए हमने मतलब सी ओ टू को एबज़ॉर्ब करने के लिए हमने पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज़ किया फिफ्टी परसेंट पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इसके अलावा आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं ये क्या करता है कि जो ऑलरेडी जैसे मैग्नीशियम पैक्लोरेट की बात की उसकी भी अमाउंट ऑलरेडी हमने नॉन ली है बिल्कुल इसी तरह जो हम 50 परसेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं वो नॉन अमाउंट है उसकी ठीक है फिफ्टी परसेंट जितना वो एबज़ॉर्ब करता है जो उसकी अमाउंट में डिफरेंस आता है उस समय पता लग जाता है कि कितनी सी ओ टू सैम्पल के अंदर मौजूद थी जो उसने अपने अंदर जस्ट कर ली बाकी जो गैसेस होती हैं जो एबज़ॉर्ब नहीं होती हैं वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती हैं तो अभी तक हमने ये देखा कि आपने सबसे पहले कम्बस्टन चैंबर में एक सैम्पल लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे कम्बसशन की वजह से कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और वाटर जो हाइड्रोजन था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट चैम्बर आता है वाटर एब्जॉर्बर जो पीछे से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अगला चैम्बर सी यू टू एबजॉर्बर है वो सी ओ टू को एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है बाकी जो गैसेस नहीं एब्जॉर्ब होती सब्सटेंसेस नहीं एब्जॉर्ब हुए वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट को हमने एज अ एच टू ओ एब्ज़ॉर्बर के तौर पर क्यों यूज़ किया वो इसलिए यूज़ किया है कि जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है वो एक बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है ये हवा में से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है अपने अंदर जस्ट कर लेता है इसीलिए हम कम्बसन एनालिसिस के दौरान मैग्नीशियम परक्लोरेट को यूज़ करते हैं ताकि वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और हमें ये मालूम हो सके कि वाटर की कितनी अमाउंट ऑर्गेनिक सैम्पल के अंदर मौजूद थी नेक्स्ट ये है कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज़ अ सी ओ टू एब्जॉर्बर क्यों यूज़ करते हैं तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो सी ओ टू है वो एसिड के नेचर होता है जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है हमें पता है वो रिएक्शन क्या होता है जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसकी वजह से वाटर और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर बना अब जो यू ट्यूब है यानी कि जो सी ओ टू एब्जॉर्बर है उसका मैस पहले कम था बाद में जब वो सी ओ टू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका मैस बढ़ जाता है तो जो डिफरेंस आता है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन में या मैसेज में उससे हमें पता लग जाती है कि कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑर्गेनिक सैम्पल में मौजूद थी लास्ट में कैलकुलेशंस हैं अब याद रहे कि पीछे हमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन का अमाउंट मिला है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का जबकि हमें कार्बन का हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मालूम करना है इसलिए परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिटरमिन करने के लिए हम मैस ऑफ सी टू डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है अब कार्बन के परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमिन करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कार्बन का अटोमिक नंबर है उससे यानी कि ट्वेल्व डिवाइड करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर नंबर है दैट वॉज फोर्टी फोर ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से तो आपको परसेंटेज मालूम हो जाएगी कार्बन की बिल्कुल इसी तरह आप परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन की मालूम कर सकते हैं मैस ऑफ वाटर डिवाइड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट जीरो वन सिक्स डिवाइड बाय एटीन टू इसलिए यूज़ किया है कि वाटर में दो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं इसलिए वन को टू से मल्टीप्लाई करो तो टू हो जाता है और और एटीन इसलिए लिखा है एटीन से डिवाइड इसलिए किया है उसके टोटल से यानी कि वाटर का जो मोलिकुलर नंबर है मल्टीप्लाई बाय हैंड करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिटर्मिन हो जाएगी अब कार्बन हाइड्रोजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो तो आपको डिटर्मिन होगी अब उन दोनों का आपने सम कर देना है और हंड्रेड से माइनस करेंगे तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन मालूम हो जाएगी यानी कि एक टोटल आपके पास सैंपल में कितनी अमाउंट है उसमें से आपने कार्बन और हाइड्रोजन की जब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही बाकी रहेगी तो उससे आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है मालूम हो जाएगी थैंक यू सो मच दैट्स ऑल फॉर टुडे